मीडिया का अपना जो अस्तित्व है वो हमेशा कायम रहेगा। हम लोग देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए लोगों को आए चलाए, लेकिन प्रिंट मीडिया में जो हम करते हैं जो बोलते हैं उसको पूरा जो है विस्तार से करके और हमारे लिए लाभदायक हो जाता है, हम इसको कभी करके रख देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम कोई शिकायत नहीं सकते। एक मुझे शेयर आ रहा है प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और समाज पर, यदि हम मिल गए तो तुम भी गिर जाओगे, यदि हम मिल गए तो तुम भी गिर जाओगे, मैं बुनियाद हूँ पत्थर, मैं बुनियाद का हूँ पत्थर, मेरी कीमत तो समझो। तो ये पत्रकारिता का एक जो पत्रकारों की पहचान है उसकी अपनी एक अस्तित्व, और जिस दिन प्रिंट मीडिया सुस्त हो जाएगी और अपने आप पौधा करेगी उस दिन समाज में कोई पहचान किसी की अपनी पहचान नहीं होगा। मुझे आज हमारे बीच हरिओम चौधरी आए गए हैं और जिस तरह से आप राजीव में आ रहे हैं और भगवान से आपको टिकट मिल जाए, आपको भगवान से आग्रह करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर जब तक मीडिया का सहयोग नहीं लेंगे तो जाने को पहचाने को, तो सामान्य से पता रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह तो बीच में हमारे बीच हमारा इंडिया के पूर्व युवा नेता अरुण तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई नीरज जी, मध्यस्थ बाबू जी महाराज जी और उपस्थित नौजवान मन है भाई त्रिपाठी जी, संजय पांडे जी और आलोक तिवारी जी बैठे जी है और कुत्ते भी बैठे हैं, आप सब मुझे भी हमारे भाई देवचंद राही जी तो आए प्रथम वक्ता के रूप में, उन्होंने बड़ी कृतज्ञता जाहिर की, इसके लिए उनका मैं आभारी। कृतज्ञता एक दैवी गुण है, आज उसी गुण के कारण आपने कहाँ से यात्रा शुरू की और ब्यूरोक्रेसी दैनिक मान्यवर है। मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ, आपको जो वेदना हुई देखिए, इस किसी किनारे से किसी कोने से कोई ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, ये आप जैसे जो लोग रहेंगे तो ये प्रिंट मीडिया, देखिए प्रिंट मीडिया आकाश की तरह, और जैसा शीर्षक भी लिखा हुआ है कि चकाचौंध, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये चकाचौंध की तरह है, आंधी पानी की तरह है, बिजली की तरह है। आकाश अस्तित्व होता, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, आधी तूफान आता, लेकिन वो संवेदनशीलता को भाव नहीं जागृत कर पाएगा। वो जागृत करने के लिए तो जब हम लिखा होगा पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे और सोचेंगे तब भी उस पर विचार कर सकते हैं। तो ये दोनों के अपने आप में विशेष भूमिका है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, आप सभी के लिए आशीर्वाद का भी आकांक्षी हूँ। इसी के साथ पुनः आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पूज्य बाबू जी, पूज्य प्रचार सिंह, पूज्य डॉक्टर साहेब आचार्य चरण एवं उपस्थित हमारे सभी युवा भाई, पूज्य श्रीवास्तव जी, मैं आज अपने को गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। आज ऐसी धरती जिसमें अकारण करुणा बढ़ा गए मर्यादा पुरुषोत्तम, अकारण करुणा बढ़ वाले जिनकी कृपा मात्र जीव मात्र पर ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के सभी चल सचराचर प्राणियों पशु पक्षियों से लेके सभी पे है, ऐसे मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ, मेरे राम के साधन चरणों में दंडवत करता हूँ, जिनके जिन्होंने इस पावन धरा पर अवतार लेकर
इस अवध क्षेत्र को कृतार्थ किया है। सर्वप्रथम हम सब के लिए, हम सब बहुत प्रभागी हैं जो हम सब का जन्म इस अवध क्षेत्र में हुआ है। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने कहा और मानस में पूज्य पाद तुलसीदास जी ने भी कहा, अति प्रिय मोहि हिना कर बसे। और जिनको हमारे आराध्य प्रिय एवं ऐसे सभी महापुरुषों के साधन चरणों में मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एवं आज मुझे इस अवसर पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है।